प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा राजभवन में स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को किया सम्मानित। कहा, देश की आजादी के लिए आदिवासी समुदाय द्वारा किया गया बलिदान हमेशा किया जाएगा याद। इसके बाद पीएम मोदी लिंगराज मंदिर गए और वहां पूजा अर्चना की। ओडिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया मेगा रोड शो। बीजू जनता दल के गढ़ में लहराया अपनी लोकप्रियता का परचम। आज से गुजरात के सूरत में भी ऐसा ही रोड शो कर पीएम मोदी करेंगे दो दिवसीय दौरे की शुरुआत। पीएम अपनी यात्रा के दौरान कई योजनाओं की आधारशिला रखने के साथ राज्य को ढेरों सौगात भी देंगे। पीएम मोदी ने भुवनेश्वर में चल रही भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिया हिस्सा। पूर्वी और दक्षिणी राज्यों में पार्टी की पकड़ मजबूत करने पर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व रणनीति तैयार कर रहा है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने भाजपा नेताओं से कहा, पार्टी का स्वर्णिम युग आना अभी बाकी। कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा के मामले को लेकर उपजे तनाव के बीच भारत ने अगले हफ्ते होने वाली समुद्री सुरक्षा वार्ता को किया रद्द। इस प्रस्तावित बैठक में दोनों देशों को मछुआरों, बचाव कार्य और तलाशी अभियान जैसे मुद्दे पर करनी थी चर्चा। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में मशहूर तारकर्ली पर्यटक स्थल के पास 8 छात्रों की वायरी बीच पर डूबने से मौत हो गई। मृतक छात्र बेलगाम के मराठा इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र थे। मृतकों में 5 छात्र और 3 छात्राएं हैं। भुवनेश्वर में जारी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाजपा के एजेंडे में पूर्वी और दक्षिणी राज्यों में पार्टी की स्थिति को मजबूत करना है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि पार्टी इन राज्यों में अपनी पकड़ और मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। मुंबई की एक अदालत ने फिल्म निर्माता शकील नूरानी द्वारा दायर आपराधिक धमकी की शिकायत के मामले में अदालत में पेश नहीं होने को लेकर बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। दिल्ली बीजेपी ने 5 मौजूदा पार्षदों समेत अपने 21 कार्यकर्ताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इन कार्यकर्ताओं पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने के चलते यह कार्रवाई की गई है। दिल्ली समेत समूचे उत्तर भारत में तापमान लगातार बढ़ रहा है। तेजी से ऊपर जाते पारे और लू से जनजीवन प्रभावित होने लगा है। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के अधिकतर शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में भी गर्मी से लोग बेहाल हैं। उत्तर कोरिया ने अमेरिका समेत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रतिबंधों को दरकिनार कर फिर से मिसाइल परीक्षण किया है। सीरिया में मिसाइल हमले के बाद अमेरिका की ओर से कोरियाई प्रायद्वीप में अपनी जंगी जहाज भेजने के बाद उत्तर कोरिया का यह मिसाइल परीक्षण सामने आया है। हालांकि यह मिसाइल परीक्षण विफल रहा। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के रक्षा अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। सीरिया में एक आत्मघाती कार बम धमाके में कम से कम 45 नागरिकों की मौत हो गई है। विद्रोहियों ने हिंसाग्रस्त 2 शहरों फुआ और कफराया से बचाकर ले जा रहे नागरिकों से भरी बस पर किया हमला। मशहूर हास्य अभिनेता चार्ली चैपलिन की आज जयंती है। चार्ली चैपलिन का जन्म 16 अप्रैल 1889 को लंदन में हुआ था। चार्ली चैपलिन का पूरा नाम स्पेंसर चैपलिन था। चार्ली ऐसे अभिनेता और फिल्मकार थे जिन्होंने बिना एक शब्द बोले पूरी दुनिया को हंसाया था। दुनिया की सबसे बूढ़ी महिला की मौत हो गई है। इटली की एमा मोरेनो ने कल 117 वर्ष की उम्र में अपनी आंखें बंद कर ली। एमा को आधिकारिक तौर पर 19वीं सदी में जन्मा अब तक जीवित अकेला व्यक्ति माना जाता था। उनका जन्म 29 नवंबर 1899 को इटली में हुआ था। पेट्रोल और डीजल की कीमत में कल रात से बढ़ोतरी कर दी गई है। इस बार पेट्रोल के दाम में 1.39 रुपए और डीजल के दाम में 1.04 रुपए प्रति लीटर की दर से इजाफा किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोलियम पदार्थ महंगा होने के चलते घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। सिंगापुर ओपन के सुपर सीरीज बैडमिंटन मुकाबले के फाइनल में किदांबी श्रीकांत और बी साई परिणीत होंगे आमने सामने। श्रीकांत ने इंडोनेशिया के एंथोनी गिटिंग को हराकर बनाई फाइनल में जगह।